गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन फ्रॉम दिरांग। और आज हम लोग अपना गेस्ट हाउस छोड़ के वापस जा रहे हैं। आज जाके रहेंगे जांग में, सिला पास मिलेगा ऑन द वे। और बर्फ बहुत गिर रहा है बोला अभी। तो यहाँ आर्मी आउटपोस्ट है और यहाँ पे एक्चुअली लिखा रहता है सेला टॉप का जो पास है वो ग्रीन है, रेड है, क्या है जो भी है, यहीं पे लिखा है। अभी के लिए ग्रीन है तो डेट मीन्स इट्स गुड टू गो नाउ। स्नोफॉल हुआ है थोड़ा हल्का सा वैसे सुनने में आ रहा है, जाके देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। यहाँ से सेला पास जो है 17 किलोमीटर में शुरू होने वाला है। और जैसे जैसे करके हम ऊपर आ रहे हैं ना तो एक अंधेरा सा छा रहा है और हवा इतना, मतलब क्या कहते हैं इसको, मतलब हवा में पता चल रहा है कि कितना ठंडा है। तो हम लोग अभी कितना 11,440 फीट ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ी देर पीछे आर्मी कैंप में क्या क्या हमने कैंटीन में अपना नाश्ता वगैरह किया। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड में कर नहीं पा रहा ज़्यादा क्योंकि मेरा गोप्रो में पता नहीं क्या एक इशू हो गया, वो बार बार ऑफ हो रहा है स्पेस की वजह से या क्या पता नहीं। स्पेस तो है अभी वैसे भी बहुत। और बाइक का एक प्रॉब्लम है, मैं आपको जल्दी से अपडेट देना चाहता हूँ। बाइक में बहुत लैग हो रहा है, बहुत लैग, शायद मेरा वाला ज़्यादा लैग कर रहा है। हम आज जाके जांग में रहेंगे, जांग में रहने के बाद कल जाएंगे तवांग। सेला पास तो आज ही हो जाएगा हमारा, कल जाएंगे तवांग, तवांग से फिर देखेंगे अगले दिन बुमला, बुमला अगर होता है तो, और नहीं होता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सडनली मतलब विजिबिलिटी बहुत कम हो चुका है यहाँ से अभी। और आपको राइट में दिखेगा बर्फ, बर्फ गिर रहा है, इसका मतलब यहाँ आई थिंक वी नीड टू टेक आउट आवर लाइनर्स आफ्टर सम टाइम। और मेरा बाइक तो पिकअप दे नहीं रहा है, ये तो मैं क्या ही बोलूँ यार। इतना हम लोग का स्पीड यहाँ पे अराउंड 20-30, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है एक्चुअली में। सो आवर बॉडी इज ऑल्सो गेटिंग अ बिट प्रेशराइज बाय द क्लाइमेट कंडीशन हियर। एक्चुअली दिस इज़ ओनली 13,700 फीट एंड गुरुदोंगमार इज़ अराउंड 18,000। लेकिन यहाँ पे जितने भी राइडर लोग आए हैं सबका कहना है कि यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ हो रहा है सांस वास लेने में। इनफैक्ट गुरुदोंगमार में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, इवन दो इट वॉज 17,800 ओनली। सांस लेने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बट लेट्स सी हाउ मच वी कैन लाइक गो ऑन, विल स्टिक टुगेदर। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, सही है यार, आई एम वरीड अबाउट द हाइट ऑफ। आप देख सकते हो दिस इज सेला लेक, वंडरफुल मैन ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, वेरी वंडरफुल, इट्स ग्रेट। जांग और 40 किलोमीटर्स यहाँ से, तो हम आज जांग में ही जाके रुकेंगे। यहाँ पे धूप तो है, आप खड़ा रहोगे धूप आपको देगा, धूप का हीट भी बहुत ज़्यादा है ना, इंटेंसिटी जो बोलते हैं ना, बहुत हीट लगेगा आपको धूप का वो, लेकिन गर्मी फील नहीं होगा आपको, गर्म फील नहीं होगा आपको, पता नहीं कैसा है यार, क्या आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द टर्म इज। या ऑल रिटर्न चीफ Still here. Next time. You have got everything? Yeah, I got everything. Huh? Yeah. Yeah. It's very sad man, I have to return from this place now. मुझे वापस जाना है अभी, अकेला मैं जा रहा हूँ। मेरा छोटा सा एक प्रॉब्लम आ गया, माई ग्रैंड फादर इज़ वेरी सिक एंड आई हैव टू रिटर्न नाउ एज सुन एज पॉसिबल। आई विल सी वेदर आई कैन रीच भालुकपोंग और नॉट। ब्रदर्स दे विल गो टिल तवांग। I'll try to reach Bhalukpung today. Tomorrow I'll hit Guwahati anyhow.